अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन सब ने पलट कर तुरंत पीछे देखा। पीछे एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनकी आंखें बिल्कुल काली। आदमी के सीने में और औरत के पेट में तलवार घुसी हुई थी। वे पांचों उन दोनों को देखकर बुरी तरह डर गए। समीर को पहली बार डर का एहसास हुआ। आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज रिंकेश जुरिया की लिखी हुई कहानी योगिनी एक श्रापित कथा का सेकेंड एपिसोड। अगर आप लोगों ने इनका फर्स्ट एपिसोड नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप लोग जाके उन्हें सुन सकते हैं। दोस्तों ये कहानी फोर्थ एपिसोड तक आएगी, फोर्थ एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जाके मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास अच्छी तरह पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की जो कहानी है, रिंकेश जुरिया की लिखी हुई कहानी योगिनी एक श्रापित कथा का सेकेंड एपिसोड। समीर को जवाब देते हुए गोपाल काका ने कहा, हाँ बिटवा, मौर्य राजाओं के समय की बात है। उस समय बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। उसके शासन में तक्षशिला और यहाँ उज्जैन में भारी विद्रोह हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे सुसीम को सेना की टुकड़ी के साथ भेजा। उन दिनों सुसीम उज्जैन में ठहरा था। एक रात को सुसीम का सेनापति और उसके कुछ सैनिक राजगढ़ में ठहरे। यहाँ पर उन्हें योगिनी के बारे में पता चला। वे सभी जिज्ञासा पूर्वक उस मूर्ति को देखने के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्हें वो मूर्ति मिली। मूर्ति देखने में बड़ी भयानक थी, इसलिए सेनापति ने उस मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति टूटने के साथ साथ उस पर लगा वो कवच भी टूट गया। कवच के टूटते ही योगिनी अपने असली रूप में आ गई। उसने सैनिकों का रक्तपात शुरू कर दिया। जब सुसीम को ये बात पता चली तो उसने तुरंत बंग देश से वाकाटकी तांत्रिक को बुलाया। वाकाटक के अनुयायियों को वाकाटकी तांत्रिक कहा जाता है। तांत्रिक ने उस योगिनी को तुरंत कवच में बंद कर दिया। राजा अंशुमान के समय जैसा ही रक्तपात दोबारा हुआ था। सुसीम ने अपना सेनापति और सेना की एक टुकड़ी खो दी। इसके साथ साथ वो जैन का विद्रोह को दबाने में भी असफल रहा। उस घटना के काफी समय बाद अंग्रेजों के जमाने में सन 1896 में एक अंग्रेज ऑफिसर जोसेफ टर्नर राजगढ़ में ठहरा। वो यहाँ पर लोगों से कर वसूलने आया था। जब उसे श्रापित महल के बारे में पता चला तो वो जंगल में कीमती पुरानी चीजों के लालच में गया। दुर्भाग्य से उसे उन खंडरों में योगिनी की खंडित मूर्ति दिखाई दी। उसने सोचा कि ये मूर्ति बहुत प्राचीन है और कीमती भी, इसलिए वो इस मूर्ति को अपने देश इंग्लैंड भेज देगा। उसने अपने साथ आए लोगों से उस मूर्ति को उठाकर ले चलने को कहा। संयोग से उस समय राजगढ़ में एक वाकाटकी तांत्रिक आए हुए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो तुरंत उन खंडरों में गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस खौफनाक योगिनी ने सभी को मार डाला था। उन्होंने तुरंत तांत्रिक कवच लगाकर योगिनी को कैद किया
और राजगढ़ के लोगों से कहा कि वो किसी को भी वहां ना जाने दे। तब से लेकर आज तक कोई भी जंगल में नहीं जाता। इसके अलावा अंधेरा होने के बाद कोई भी इंसान जंगल के बीच से गुजरने वाले उस रास्ते से भी नहीं जाता। तो इसी वजह से कल रात को हमें उस सड़क पर कोई वाहन आता जाता नहीं दिखा, समीर बोला। हाँ बिटवा, यह है उस खौफनाक योगिनी की दास्तान। गोपाल काका ने अपनी बात पूरी की। विशाल ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका शुक्रिया काका, समीर बोला। अगर आपका इंटरव्यू हो गया हो तो अब घूमने चले, नेहा झुंझला कर बोली। हाँ बेटा क्यों नहीं, आइए हम आपको राजगढ़ की सैर कराते हैं। गोपाल काका उनको राजगढ़ की सैर कराने ले गए। उस दिन उन लोगों ने राजगढ़ किला और महादेव के अत्यंत ही सुंदर मंदिर की सैर की। काफी घूमने फिरने के बाद वे लोग शाम को होटल वापस आ गए। होटल आकर उन्होंने खाना खाया और काफी थके होने के कारण सोने चले गए। उस रात श्रुति को एक अजीब सपना आया। सपने में वो किसी पहाड़ पर चल रही थी। घनी काली रात थी और बारिश हो रही थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बुरी तरह से हांफ रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक घने अंधेरे में उसे एक चीख सुनाई दी। वो डर के मारे जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो चुका था। उसने देखा कि सुबह हो गई थी। बंद खिड़की के दरारों में से प्रकाश अंदर आ रहा था। नेहा और शिखा अभी तक सो रही थी। श्रुति उठी और हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर में सभी लोग जाग गए। नहा धोकर सभी नाश्ते के लिए बाहर आए। गोपाल काका भी आ गए थे। वो बोले, बच्चों आज हम घूमने फिरने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हमें शाम ढलने से पहले वापस आना होगा। क्यों गोपाल काका, इतनी जल्दी क्यों, सभी एक साथ बोल उठे। गोपाल काका उनके नजदीक आए और बड़ी बड़ी आंखें करके गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि आज पूर्णिमा है, उस डरावनी योगिनी का दिन। आज की रात उस श्रापित जगह में मारे गए लोगों की आत्माएं जंगल और इसके आसपास के इलाकों में भटकती है, इसलिए दिन ढलने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं और पूरी रात बाहर कदम नहीं रखते। इसका मतलब आज रात आत्माओं के लाइव दर्शन होंगे, नेहा हंस पड़ी। श्रुति ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग घूमने निकल पड़े। गोपाल काका गाइड के तौर पर उनके साथ थे। उन लोगों ने नरसिंहगढ़ किला, चीरिको अभ्यारण्य, टोपिया महादेव और अंजनीलाल मंदिर जैसे कई जगहों की सैर की। शाम होने से पहले सभी लोग वापस आ गए। समीर एक साहसी युवा था, हमेशा जोश से भरा रहने वाला लड़का। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे अभी भी राजगढ़ के डरावने किस्से मनगढ़ंत लग रहे थे। इन्हीं सब के चलते उसके मन में एक शैतानी विचार आया। सभी दोस्त खाना खाने बैठे। खाना खाते खाते समीर अचानक बोल पड़ा, दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, यहाँ की डरावनी कहानियां सच है या झूठ? शिखा बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सच है। बाहर से आने वाले लोगों को डराने के लिए लिखी गई है ये कहानियां।
विशाल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। नेहा बोली, गोपाल काका कहानी तो ऐसे सुना रहे थे जैसे उन्होंने लाइव ये सब देखा हो। श्रुति चुप थी। अचानक वो बोल उठी, यार अगर इतने सारे लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो सच होगा ही। हाँ, और सच ये है कि यहाँ कोई योगिनी वोगिनी नहीं है, विशाल बोला। तभी समीर बोल उठा, दोस्तों मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना आज रात को हम सब जंगल में जाकर उस खंडर की पड़ताल करें, क्योंकि दिन में तो कोई हमें वहां नहीं जाने देगा। सोचो सोचो, पूर्णिमा की रात को हम वहां जाकर वीडियो शूट करेंगे और हमारे चैनल पर डालेंगे तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसके बाद हमें मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। समीर की आंखें चमक उठी। नेहा, विशाल और शिखा ने हाँ कर दी, लेकिन श्रुति बुरी तरह डर गई। वो बोली, क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? उस योगिनी का मतलब भी पता है तुम लोगों को? उसका मतलब है साक्षात मौत, और तुम मौत के मुंह में जाने को उतावले हो रहे हो। सभी दोस्तों ने उसके गुस्से को शांत किया और अपने साथ जंगल में चलने के लिए मना लिया। रात हुई, पूरा राजघर कस्बा खामोश हो गया। गलियां सूनी पड़ी थी, लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे। एक घोर सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था, जैसे रातों रात कस्बा पूरा वीरान हो गया हो। अजीब बात थी, हर पूर्णिमा की रात को ये कस्बा एक जिंदा लाश बन जाता। इसमें लोग तो थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीरानी छाई रहती। पांचों दोस्तों ने अपने अपने बैग लिए और साथ में एक एक टॉर्च भी रख ली। विशाल ने अपना कैमरा भी बैग में डाल लिया। रात को चुपके से सभी लोग होटल से बाहर आ गए। चारों तरफ का नजारा देखकर वे पांचों हैरान हो गए। पूरा शहर ऐसे सुना पड़ा था जैसे रातों रात यहाँ के सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। उस समय ये कस्बा बिल्कुल राजस्थान के कुलधरा जैसा ही लग रहा था। सभी लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत ही घना था, झाड़ झंकार और बड़े बड़े पेड़ रात को और भी भयानक लग रहे थे। अचानक कस्बे में गली के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयानक विपत्ति पर रो रहे हों। उनके रोने की आवाज जैसे ही श्रुति की कानों में पड़ी, वो डर गई। उसने शिखा की बांह को कसकर पकड़ लिया। वे जंगल में चलते चलते काफी दूर आ चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सब जंगल में खुली जगह पर आकर खड़े हो गए और आगे के बारे में सोचने लगे। समीर बोला, वो जगह शायद यहां से बहुत दूर है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शिखा बोली, क्या पता, असल में ऐसी कोई जगह हो ही नहीं, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला हो। हाँ, ये हो ही सकता है। श्रुति शिखा के पास खड़ी थी। अचानक उसे एक झटका लगा। वो मुड़ी और जंगल की ओर अंदर जाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से उसका नियंत्रण चला गया था, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। वो कठपुतली की तरह चले ही जा रही थी। वे चारों लोग बातों में व्यस्त थे। अचानक शिखा ने अपने बगल में देखा, श्रुति वहां नहीं थी। वो चौंक गई, श्रुति अभी तो उसके बगल में खड़ी थी। उसने अपनी टॉर्च पेड़ों की ओर घुमाई।
दूर पेड़ों के बीच उसे श्रुति की धुंधली सी आकृति दिखी। वो बोली, अरे वो श्रुति कहाँ जा रही है? श्रुति, श्रुति रुको। सभी लोग श्रुति के पीछे दौड़े। श्रुति लगातार चले ही जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक एक जगह पर जाकर वो रुक गई। सभी लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। अचानक उसे होश आया। उसने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। नेहा बोली, कहाँ चली जा रही थी तुम? मुझे नहीं पता। श्रुति हैरान सी होकर बोली। अचानक सभी लोगों ने नजरें उठाकर सामने देखा। सामने का दृश्य देखकर वे पांचों हैरान हो गए। जंगल के बीच में किसी विशाल इमारत के खंडर थे। शायद यही इमारत किसी समय राजा अंशुमान का महल रही होगी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के अवशेष अभी भी सही सलामत थे। महल के खंडर एक ऊंचे टीले पर बने हुए थे। उस खंडर महल के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जो अब टूट फूट चुकी थी। पूर्णिमा की रात का चांद अपनी शीतल चांदनी चारों तरफ बिखरा रहा था। आसमान में थोड़े बहुत बादल थे और हल्की धुंध छाई हुई थी। वे सभी उन टूटी फूटी सीढ़ियों के सहारे खंडरों तक गए। दूर कहीं पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे। उन खंडरों में सालों से जंगल के पेड़ों के सूखे पत्ते जमा हो रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती एक आवाज आने लगी। वो आवाज उन लोगों के पैरों के नीचे सूखे पत्तों के दबने से कर कर की आ रही थी। जंगल की शांति मानो इन लोगों ने भंग कर दी थी। उन सभी ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारों के पत्थर ही मौजूद थे। वहां पर किसी भी मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं था। वे सभी अलग अलग होकर उस खंडर में मूर्ति ढूंढने लगे। श्रुति शिखा के साथ थी। काफी देर तक पूरा खंडर छान मारने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन सब ने सोचा कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। स्थानीय लोगों ने केवल अपना मन बहलाने के लिए ऐसी कहानियां रची है। समीर बोला, लगता है यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। पर कम से कम हम हमारा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ आए थे। यहाँ आने का कुछ फायदा तो हो। समीर की गर्लफ्रेंड नेहा को उसकी वीडियो शूटिंग में कोई रुचि नहीं थी। वो खंडरों के फोटो लेने के लिए आगे चली गई। विशाल ने कैमरे की लाइट चालू की और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। समीर ने बोलना शुरू किया, दोस्तों अभी हम खड़े हैं राजगढ़ की सबसे श्रापित माने जाने वाली जगह पर। ये जगह राजगढ़ के डरावने जंगल के बीचों बीच है। आज पूर्णिमा की रात है और कहा जाता है कि आज की रात यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है। अगर हो सकेगा तो। समीर अपनी बात पूरी करता इससे पहले नेहा जोर से चीखी। उसके चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि नेहा का पैर जमीन में बने एक गड्ढे में फंस गया है। समीर और शिखा ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। तुम यहां फंसी कैसे? श्रुति ने पूछा। मैं यहां पर फोटो ले रही थी कि अचानक मेरे पैर यहां फंस गया। मैं बुरी तरह से डर गई।
वो रोने लगी और समीर के गले से लिपट गई। समीर ने उसे शांत किया। इधर विशाल हरबरी में अपना कैमरा ऑफ करना भूल गया था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। समीर ने उस गड्ढे को टॉर्च की रोशनी में गौर से देखा। अचानक वो चौंक गया। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, दोस्तों ये कोई गड्ढा नहीं है, ये जमीन के नीचे बने तहखाने में जाने का रास्ता है। क्या? सभी चौंक गए। हाँ, सालों से सूखे पत्तों का ढेर रास्ते पर जमा हो गया था, जिसके कारण ये हमें नहीं दिखा। समीर विशाल से बोला, विशाल कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करो। विशाल बोला, ये चालू है, हर भराट में मैं इसे बंद करना भूल गया था। सभी लोगों ने उस गड्ढे के आसपास से सूखे पत्ते हटाए। सभी हैरान हो गए। वाकई वहां पर जमीन के नीचे जाने का रास्ता है। सभी लोग एक एक करके उस रास्ते से जमीन के नीचे बनी जगह में उतरे। सबसे पहले समीर उतरा, उसके बाद नेहा, श्रुति और शिखा उतरे। विशाल सबसे अंत में आया। समीर ने अपने सामने टॉर्च की रोशनी फेंकी। सामने एक लंबी सुरंग थी जो शायद किसी तहखाने में जाती थी। वे सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो सुरंग बरसों से ऐसे ही सुनसान पड़ी थी। सुरंग की छत से चमगादड़ लटके हुए आराम फरमा रहे थे। उन सब लोगों में से श्रुति को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। चलते चलते अचानक श्रुति को किसी चीज से ठोकर लगी। उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैरों के ओर डाली। वहां पर किसी प्राणी की हड्डियां पड़ी थी। उन्हें देखकर श्रुति डर गई और जोर से चिल्लाई। श्रुति के चिल्लाते ही छत से लटके चमगादड़ों की नींद टूट गई और वे सभी एक साथ उड़ने लगे। सभी लोग नीचे झुक गए। सारे चमगादड़ भयंकर शोर मचाते हुए सुरंग के उस दरवाजे से बाहर निकल गए। अचानक समीर ने ध्यान दिया कि सुरंग खत्म हो चुकी है और वे एक खुली जगह में आ गए हैं। वे सभी सुरंग को पार करके एक खुली जगह में पहुंचे। वो सुरंग खूब अंधेरे वाले एक बड़े से कमरे में खुलती थी। उस कमरे में पहुंचकर उन सबको बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। अचानक शिखा ने सामने की तरफ टॉर्च घुमाई। सामने का नजारा देखकर वो हक्की बक्की रह गई। वो बोली, दोस्तों ये क्या भला है? सभी ने एक साथ सामने देखा। सामने एक गोल पत्थर पर एक मूर्ति रखी थी। दिखने में बड़ी डरावनी मूर्ति थी। उस मूर्ति के तीन सिर और चार हाथ थे और वो मूर्ति टूटी हुई अवस्था में थी। विशाल के कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने अपने कैमरे को उस मूर्ति की तरफ घुमा दिया। पांचों को ये समझते देर न लगी कि ये उसी त्रिमुख की योगिनी की मूर्ति है, जिसने कभी राजगढ़ के इस इलाके में खून की नदियां बहाई थी। श्रुति को छोड़कर सभी बहुत आश्चर्य और उत्साह में थे। समीर ने उस मूर्ति के पास जाकर उसे बड़े गौर से देखा। मूर्ति को एक गोल पत्थर के शीर्ष के बीचों बीच रखा गया था, जिसको चारों तरफ लाल रंग का एक घेरा बना हुआ था। समीर ने सभी को मूर्ति देखने के लिए अपने पास बुलाया। श्रुति जाने से डर रही थी, इसलिए विशाल ने अपना कैमरा श्रुति को पकड़ा दिया और मूर्ति के पास चला गया। श्रुति कैमरे से मूर्ति की रिकॉर्डिंग कर रही थी। समीर के कहने पर श्रुति ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी।
विशाल के बैग में फोटो क्लिक करने के लिए भी एक कैमरा था। उसने उन चारों की मूर्ति के साथ फोटो खींचने के लिए वो कैमरा निकाल कर दिया। श्रुति उनकी फोटो खींचने लगी। वे सभी मूर्ति के और नजदीक आ गए और उस पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाने लगे। श्रुति के लाख मना करने के बावजूद वे नहीं माने। अचानक किसी के हाथ का दबाव पड़ने के कारण वो मूर्ति अपनी जगह से गोल चट्टान की ढलान की तरफ खिसक गई। सभी ने उस मूर्ति को संभाला। हालांकि वो खिसक गई थी, पर अभी भी चट्टान पर बने हुए उस तांत्रिक कवच में ही थी। फोटो लेने के बाद वे सभी उस सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद वे सब घर की तरफ जाने ही वाले थे कि उनको कोई आवाज सुनाई दी। वह आवाज बड़ी अजीब सी थी, जैसे कोई रो रहा हो। सभी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। श्रुति बुरी तरह डर रही थी। उसने शिखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन सब ने पलटकर तुरंत पीछे देखा। पीछे एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनकी आंखें बिल्कुल काली। आदमी के सीने में और औरत के पेट में तलवार घुसी हुई थी। वे पांचों उन दोनों को देखकर बुरी तरह डर गए। समीर को पहली बार डर का एहसास हुआ। किसी के गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वे एक टक उन दोनों को घूरे जा रहे थे। अचानक उन दोनों लोगों की आंखों से खून निकलने लगा। श्रुति से अब रहा नहीं गया। वो जोर से चीखी और उसके चीखते ही सभी दोस्त दुम दबाकर भागे। वे भाग ही रहे थे कि जमीन के अंदर से अचानक एक हाथ निकला और उसने नेहा का पैर पकड़ लिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। वो चिल्लाने लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा। समीर वापस नेहा की तरफ भागा और उस पंजे से नेहा के पैर को छुड़ाया। नेहा को छुड़ाकर वे सभी एक सांस में भागकर होटल पहुंचे। सभी बुरी तरह हांफ रहे थे। नेहा और श्रुति सबसे ज्यादा डर गई थी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने कुछ देर पानी पीकर आराम किया। सीधा बात बताए देती हूं, कल सुबह ही हम यहां से निकल रहे हैं, श्रुति बोली। ठीक है, वैसे भी जिस काम के लिए हम यहां आए थे वो पूरा हो चुका है। समीर कानों तक बत्ती से दिखाते हुए बोला। रात में किसी को नींद नहीं आई। सुबह अधकच्ची नींद के सहारे ही सभी ने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में डाला। गोपाल काका को भी असमंजस की स्थिति में छोड़कर वे सब भोपाल की तरफ निकल पड़े। रात में हुई उन घटनाओं को एक पूरा सपना समझकर सभी बुला देना चाह रहे थे, परंतु भूलने के बजाय वे घटनाएं उनके दिमाग में आगे पीछे डोल रही थी। खैर, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जो गलती यहां आकर उन सब ने की, उसका भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जंगल के बीच बने महल के खंडर। रात को उन सब के जाने के बाद त्रिमुख योगिनी की उश्रापित मूर्ति पत्थर की शिला पर ज्यादा देर टिक ना सकी। ढलान पर टिकी होने के कारण धरती के गुरुत्व ने बड़े प्यार से उसे अपनी ओर खींच लिया। मूर्ति धराम से जमीन पर गिर पड़ी। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में रिंकेश जुड़िया की लिखी हुई कहानी योगिनी इक्षापित कथा का सेकेंड एपिसोड। बहुत ही जल्द थर्ड और फोर्थ एपिसोड भी आने वाली है, तो अगर आप लोगों को सुनना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए।
अब मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए कमेंट में जरूर बोलिएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है कि नहीं, और इस तरह की कहानी आप लोगों को पसंद है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय।